की जुबान है फिसल जाती है। जबान तो फिसल ही जाएगी जब तुम्हारे जैसी मुंहजोर आगे आएगी। नहीं नहीं, राहुल गांधी जो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं तो सबके लिए अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है कि नहीं। वा, 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 वा। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसे ऐसे दोगले हिंदुओं की वजह से। क्या बोला तूने? जो हमारा एक हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, इसको हम कहते हैं सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये सब मिल करके हम एक संगठन बना करके हम रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब जिंदा है तब तक मोदी को देंगे। ये वाली क्वालिटी भी है क्या तेरे में? ए गाइस, वीडियो क्लिप देख के आप समझ गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। गाइस, जितने भी अंधभक्त आपको दिख रहे हैं सबको एक्सपोज करके रख दे, वीडियो जरूर पूरा देखें। इस वीडियो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट की नजरों से ही देखें। हमारी वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। नहीं नहीं, राहुल गांधी जो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं तो सबके लिए अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है कि नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे ऐसे दोगले हिंदुओं की वजह से। दोगले हिंदू वे नहीं है, दोगले हिंदू तू है, तू करी अंध भक्ति, तू है दोगले हिंदू। आप 100 करोड़ हिंदुओं को गाली मिली है। एक मिनट दीदी, मैं कंफ्यूज हो गया। आप कह रहे हो ऐसे ऐसे दोगले हिंदू की वजह से 100 करोड़ हिंदुओं को गाली मिलती है। ये बताओ आप, 100 करोड़ तो हिंदू हैं और 100 करोड़ को ही गाली मिल रही है, दोगले हिंदू कहाँ जाएंगे? अंधभक्ति फैला रहे हो ना आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। कि जैसे इन्होंने कहा है ना कि जुबान है फिसल जाती है। जबान तो फिसल ही जाएगी जब तुम्हारे जैसी मुंहजोर आगे आएगी। अब जिंदा है तब तक मोदी को देंगे। ये वाली क्वालिटी भी है क्या तेरे में? मुझे तो पता ही नहीं था। मोदी जी के आगे बैठ के 2% का बंदा कह रहा है कि ये जो हाथ है ये शिव जी का है। ये हाथ ये हमारा है। अबे मूर्ख आदमी, पहले शिव जी आए थे या कांग्रेस आई थी? अरे उसे तो माने गांजा पी के बोलता, तेरे को पता ही नहीं होता बोल क्या रहा है। जब मोदी ने उनको टोका, इसी हाथ से लोग सुबह सुबह अपना पिछवाड़ा धोते। एक मिनट, तेरा कुछ पता नहीं, तू बोल क्या रहा है? अभी बोल रहा है शिव जी का हाथ है, अभी बोल रहा है इससे पिछवाड़ा धोते हैं। मुझे लगता है तू तो इसमें एक नशे में बोल रहा है। यूपी का साला, दिल्ली का दीपक उनके साथ में है। हाँ, दिल्ली के दीपक के बिना तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। भाई अखाड़े में जब उतरना था तो अकेले। मुझे तो ऐसा लगता है तू बदबू पांडे की बहन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू तो ऐसे कह रही कि मोदी जी अकेले उतरते खाड़े में, अंधभक्त। तरफ से ये कहाँ का है, क्या धर्म है, क्या इसकी जाति, इसने बताया कभी लोगों को, इसने हिंदुओं को जातिवाद? देखो दीदी, उसका तो मुझे पता नहीं, पर तुम जरूरी है जातिवाद में बांट रहे हो, वो तो नेता है। चलो तुम क्यों अंधभक्ति फैला रही हो? तुम 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहे हो। जब ही तो कहता हूँ अंधभक्ति फैला ले हो तुम लोग, पहले पूरी बात तो सुनते, ये सुनो दिए देखना क्या बोल रही है आंटी। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन लिया मेरी बहन, तू इन चक्रों में मत पर वरना तेरी ऐसी हालत हो जाएगी। जो हमारा एक हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, इसको हम कहते हैं सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये सब मिल करके हम एक संगठन बना करके हम रहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सुनो आप, अब जैसे सारे कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा ठीक है, हिंदू राष्ट्र मतलब सारे मुसलमानों को या सिखों को, ईसाइयों को एक तरीके से हटा देना। आप ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जितने भी हमारे गुरु सिख देख लो, सबको किसने मरवाया था? मुगलों ने मरवाया था। मैंने तो सोचा था तू अच्छी बात करेगा, पर तू भी अंधभक्ति करने आ गया, हिंदू मुसलमान की अंधभक्त। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कुछ तुच्छे मुच्छे आप लोगों को सुन लोगे तो वो क्या बोलने आएंगे? भाई किसी और को टूचा मुचा क्यों कह रहा है? तू नफरत फैला रहा है, तेरे से गिरा हुआ इंसान तो मैंने नहीं देखा, अंधभक्त। हमारी वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट की नजरों से ही देखें।